जो लोग बोलते हैं पांच साल केजरीवाल, पांच साल केजरीवाल, लगे रहो पांच साल। अब ये वर्ड क्या दिया है, लगे रहो केजरीवाल। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा लगे रहो का मतलब है, कितना अनर्गल अनर्गल लिखा है वर्ड लगे रहो, लगे रहो के क्या मतलब है। नहीं जी मैंने चेक कराया जी, करवा लो जी, करवा लो जी, सब मिले हैं जी, वो मिले हैं जी, ये मिले हैं जी, और दिखाना चाहता है ये नाटकबाज, ये नाटकबाज दिखाना चाहता है कि मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी है ये, 25 लाख की गाड़ी से 8 काफिला लेके, और ये बोलता है मैं आम हूँ। आम नहीं है ये, अनार हो गया है। रामलीला मैदान में जीभ निकाल के, 66 इंच का जीभ निकाल के क्या बोला था, इतना बड़ा जीभ निकाल दिया। इंसान हूँ इंसान से हूँ भाईचारा, बने हमारा देश हमारा, क्या बोला था ना शपथ लेके, कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक रखेंगे, बोला था ये आदमी। लेकिन इसका विधायक एक अमतुल्ला खान खुलियाम मुसलमानों के बारे में गलत गलत बोलता रहा, और मुस्लिम भाई सुनते सुनते चाट रहे हैं उसको, प्रवचन दे रहा अमतुल्ला खान और चाट रहे। संदीप कुमार इसका फॉर्मर मिनिस्टर बोल रहा है मसाज करा लो और राशन कार्ड ले लो, मसाज करा लो और राशन कार्ड ले लो, मसाज करा लो राशन कार्ड ले लो। ये क्या किया था, ये क्या किया था, यह आदमी ने, इस आदमी ने क्या किया था, एक लेडीज का बोल रहा था कि तुम्हारा राशन कार्ड बनवा देंगे। मसाज तो करा लो। जो अपने गुरु का नहीं हो सका वो देश का क्या हो सकेगा, देश का क्या होगा। पहले सोचिए सोचिए, मैं तो तमाम आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि आप DTC बस में बैठेंगी ना, ये देखिए, देखा कैमरा मैन दिखाओ भाई, ऐसे ऐसे बैठेंगी ना, ऐसे तो सीधा ऐसे चले जाएंगे। देखिए अरे से पकड़े है ना, ये पकड़े है ना, ये सही लोग पकड़े, कहाँ जा रहे हो भाई, याद रखिएगा। अरे ये दिल्ली में लोग दे रहे हैं केजरीवाल, अरे जब अपने बेटे को ये दाव में लगा दिया, बिटिया बिटिया को दाव में लगा दिया, बिटवा को दाव में लगा दिया, बीबी को दाव में लगा दिया, क्या बोला था कुमार ने, कहा है कि मोदी सरकार ने JNU से दुश्मनी मोलकर अच्छा नहीं किया। केजरीवाल यानी कि एक बिहार में कहावत है कि चलने निहारे सूप के, क्या चलने निहारे सूप के कि तारा में 72 को छेद, इसमें कितना अपगुण है, ये अपगुण से भरा हुआ है 100%। ये आदमी ऐसा है कि अगर झूठ का कोई अवार्ड हो तो इसको भारत रत्न मिले उसमें, बिल्कुल। अभी देखिए ये आम है कहाँ पे, मैं आम है कहाँ पे, मैं इसके प्रोग्राम में गया था आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, आज तक में, आज तक के रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा था ये कनॉट प्लेस में, सेंटर पार्क में, आते ही बहाना नाटक देखिए कैसे कर रहा है। 27 लाख वही ड्रामा, और उस चैनल में देखिएगा आप, आज तक के चैनल में, कि शर्ट जान बुझ के शर्ट ऐसे से कर रहा है कॉलर, क्यों दिखाना चाहता है ये नाटकबाज, ये नाटकबाज दिखाना चाहता है कि मैं आम आदमी हूं। आम आदमी है ये, 25 लाख की गाड़ी से 8 काफिला लेके, और ये बोलता है मैं आम हूं। आम नहीं है ये, अनार हो गया है। रही बात, आपने आपको तो मालूम होना चाहिए, आप प्रकांड पत्रकार हैं, 90 लाख का समोसा खा गया अपने ऑफिस में, 90 लाख का कोई समोसा खाता है? अपने लिए केस कितना महंगा वकील को हायर किया था, अपने लिए सबसे महंगा ये वकील रखा था हायर करने के लिए, ये बोल रहा है आम है हम, आम है। अरे ये सबसे अपने आप में देखे ना, अपने आप को देखे, मोदी जी को क्यों ज्ञान दे रहे हो, मोदी जी के पास प्रकांड लोग हैं, इसके पास कौन है जो कुपुत्र है, इसके पास लोग हैं जो सारे ढोंगे हैं,
दोगले हैं। मैं बताता हूँ, जिस पार्टी को संकट में पार्टी खड़ी थी उस पार्टी में दो करोड़ रुपया प्रशांत भूषण जी ने अपने अकाउंट से निकाल के इसको दिया था कि पार्टी के चार पिलर खड़ा करो, लेकिन उस आदमी को लात मार के बाहर निकाल दिया इस आदमी ने। 2 करोड़ यानी 200 लाख, सोचिए 200 लाख, और ये हमारे इमोशंस के साथ कैसे खेल रहा होगा। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा नीचता वाला हरकत कर रहा है ये केजरीवाल। क्या बोला था वो रामलीला मैदान में, जीभ निकाल के 66 इंच का जीभ निकाल के है? क्या बोला था, इतना बड़ा जीभ निकाल दिया। इंसान हूँ इंसान से हूँ भाईचारा, बने हमारा देश हमारा, क्या बोला था ना शपथ लेके कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक रखेंगे, बोला था ये आदमी। लेकिन इसका विधायक एक अमतुल्ला खान खुलियाम मुसलमानों के बारे में गलत गलत बोलता रहा, और मुस्लिम भाई सुनते सुनते चाट रहे हैं उसको, प्रवचन दे रहा है अमतुल्ला खान और चाट रहे। क्या कौन सा अमतुल्ला खान बताए, अब पूरे दिल्ली को जवाब दे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा बोला था कि मुसलमानों के दाढ़ी कटवा देंगे, कहा बोला था। लेकिन 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 जानबूझ के पूरा जलाया गया दिल्ली को, और इसके अमतुल्ला खान ने उसके बाद क्या बोला गया इसने कि जामा मस्जिद के तरफ नमाज नहीं पढ़ने देंगे, टोपी उतरवा देंगे, ये बात बयान बोला था ना ये अमतुल्ला खान ने। और लोग सुनते रहे इसका प्रवचन, कहीं पे उस घटना का ये निंदा नहीं किया। कहां गए इंसान 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 जो गाना गा रहा था 66 इंच का जीभ निकाल के रामलीला मैदान में ढोंगी कहीं का। उसके बाद ये मनीष सिसोदिया पत्रकार है वो गवार, मुंह देखा आपने छोले भटूरे की तरह मुंह है। फिनलैंड गया था शिक्षा, फिनलैंड गया था परिवार के साथ शिक्षा का स्टेटस देखने। कौन सा आप मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, आप अकेले जाइए, आप पूरा परिवार को लेकर गए फिनलैंड में, वो कौन सा आप शिक्षा का प्रणाली चेक करने जा रहे थे। दूसरी बात, ये कितना नीचता वाला, पूरा पेज खोल के जाऊंगा आपके चैनल पे और उसके बाद चैन से रहूंगा। उसके बाद ये क्या बोला था, मोहल्ला क्लिनिक बहुत बेटर है। एक भी ऐसा विधायक का मम्मी का, उसके माता पिता का, विधायक का दिखाइए कि मोहल्ला क्लिनिक में बैठ के इलाज करवाते होंगे। इसके खुद गोपाल राय कहां पे इलाज करा था, अपोलो हॉस्पिटल में किया था ना ऐसे पहले ऐसे चलता था और उसके बाद अब दौड़ के चल रहा था, क्यों अपोलो में। वो आम आदमी है, मैं आवाम से पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यहां पे आम आदमी कितने लोग हैं जो अपोलो में इलाज कराते हैं, कौन कराता है, कोई नहीं कराता, सारे लोग ईएसआई हॉस्पिटल में, म्युनिसिपल हॉस्पिटल में। उसके बाद वो कहां चला गया, अपोलो हॉस्पिटल में। मैं बताता हूं आपको, संदीप कुमार इसका फॉर्मर मिनिस्टर बोल रहा है मसाज करा लो और राशन कार्ड ले लो, मसाज करा लो और राशन कार्ड ले लो, मसाज करा लो राशन कार्ड ले लो। ये क्या किया था इस आदमी ने क्या किया था, एक लेडीज का बोल रहा था कि तुम्हारा राशन कार्ड बनवा देंगे। मसाज तो करा लो। आज जब पकड़ा गया, इसका वीडियो लीक हुआ तो क्या, नहीं भाई साहब, क्या ढोंगी कर रहा है, क्योंकि जानता है ना कि इसका शिक्षक ही डुप्लीकेट आदमी है, तो जीरोक्स भी डुप्लीकेट निकलेगा। तो इसने क्या किया था, बोल रहा है मैं तो दलित हूँ, बोला था ना मैं तो दलित हूँ, मैंने अपनी बीबी का पैर छूता था। यही विधायक था ढोंगी, बोलता था कि मैं पहला दुनिया का इंसान हूँ जो सोने से पहले बीबी का पैर दबाता हूँ। अरे ये मालूम है इसका शिक्षक जो टीचर है, प्रिंसिपल है, इतना बड़ा ढोंगी है। और प्रिंसिपल कौन है इसका, केजरीवाल, इतना बड़ा घुंघरू से देखा, इतना बड़ा ड्रामेबाज है। उसके बाद जितेंद्र सिंह तोमर क्या बोला था कि मेरे सारे सर्टिफिकेट साफ हैं। अब बार बार उसको बोला गया कि तुम्हारे मंत्री का जो वो है, क्या नाम है, सर्टिफिकेट है, फेक है।
नहीं जी, मैंने चेक कराया जी, करवा लो जी, करवा लो जी, सब मिले हैं जी, वो मिले हैं जी, ये मिले हैं जी। और ये इतना जीजी करता गया, इतना जीजी करता गया कि सब लोगों को मूर्ख बना दिया, सब लोगों को मूर्ख बना दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद लास्ट में कितना बड़ा खुरापाती किया है ये। सबसे ज्यादा अपने घर में एसी लगवाया है ये, सबसे ज्यादा घर में एसी। और सुनिए, देखिए 40 एसी। अरे भाई केजरीवाल, अबे घर में आलू रखना है क्या? कोल्ड स्टोरेज बनाएगा क्या घर में? वहां पे 2 BHK वसुंधरा में तू रहता था, कोसाम्बी में, और आज यहाँ पे 40 एसी। उसके बाद देखिए इस ढोंगी ने क्या किया था? आज माननीय अमित शाह जी को क्या बोला था इसने, अमित शाह जी को, कि लाजपत नगर गए हैं और मेरा कैमरा था, और देखिए मेरा कैमरा दिखा रहा है कि अमित शाह जी कैसे कैसे घूम रहे हैं। दिखाया था ना कल वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये मनीष सिसोदिया मुंह छोले भटूरे की तरह। उसके बाद देखिए क्या किया था। मैं मानता हूं कि तुम्हारा वीडियो काम कर रहा था, लेकिन बता दो कि जिस दिन चीफ सेक्रेटरी पीटे गए थे तुम्हारे घर में, और जब CBI ने छापा मारा था, तो तुमने 22 कैमरा काम नहीं कर रहा है, वो कहां गया? क्या प्रॉब्लम्स क्या है? मैं खुलेआम आपके तमाम, मैं पूरे कनॉट प्लेस में बोलता हूं, दिल्ली में खड़ा होके, कि बता दे एक आदमी को मैं धमकी देके अपने घर पे नहीं पहुंच सकता। और ये दिल्ली में सारे कांग्रेसियों को, वरिष्ठ कांग्रेसियों को यूं हरा दिया, इसके पीछे कौन था? आज बोलना होगा इसको, दिल्ली में जवाब देना होगा, लेकिन ये जवाब नहीं देता। मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस की टीम है, और मोदी जी को हराने के लिए, मोदी जी को हराने की ताकत नहीं है, तो ये पीछे से लाके इसको लाके खड़ा कर दिया गया। जो अपने गुरु का नहीं हो सका, वो देश का क्या हो सकेगा? देश का क्या होगा? पहले सोचिए, मैं तो तमाम आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि ये किसी का नहीं होगा, धोखा देगा धोखा। और सुनिए, फ्री में टिकट मत लीजिए, सब कुछ को बॉयकॉट कीजिए। अगर आप में ईमान है तो टिकट फ्री में मत लीजिए, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। आप देखिए DTC बस ऐसा बनाया है, मैं आपको कल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दिल्ली में। मैं DTC बस में 625 में ट्रेवल कर रहा था, 625 जाती है उधर मुंडिका की तरफ, ट्रेवल कर रहा था। मैं बस साबुन नहीं लिया था, मैं तो नहा लेता उस बस में। मैंने अफसोस किया, अपने आप पे अफसोस किया कि 3 दिन से नहाया नहीं था। अगर साबुन होता तो कपड़ा खोल के, क्योंकि DTC बस इतना खूबसूरत है, सावर लगा हुआ उसमें, बारिश हो कि एक एक आदमी, कंडक्टर खुद ही बोल दे कि भैया मैं तो नहा लिया, अब आप नहा लो। अच्छा भैया, आपका स्टॉपेज आ गया, चलो किसी को नहाना है नहा लो, बस का कंडीशन ये है। और दूसरा बात, मैं गलत हूँ, मैं तमाम आपके आवाम से पूछ रहा हूँ, जमहूरियत में खड़ा हूँ। आप DTC बस में बैठेंगी ना, ये देखिए कैमरामैन दिखाओ भाई, ऐसे बैठेंगी ना, ऐसे तो सीधा ऐसे चले जाएंगे। देखिए अरे सही पकड़े है ना, ये सही लोग पकड़े, कहाँ जा रहे हो भाई? क्योंकि सारे DTC बसों का स्क्रू लूज है। हाँ या ना, स्क्रू लूज है। और ये चैनल में आपको पता चला, मैं बताता हूँ, ये सारा DTC बसों को बेड़ा गढ़ कर रखा है। क्या किया है अपने आप, ये प्राइवेट बसों को हायर किया है, मार्शल भी तो है उसमें, और उसको पैसा दे रहा है। प्राइवेट बस किसका है? प्राइवेट बस आम आदमी का है क्या? जी नहीं, उसी के चिलगोजों का, जो लोग बोलते हैं पांच साल केजरीवाल लगे रहो 5 साल। अब ये वर्ड क्या दिया है? लगे रहो केजरीवाल। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा लगे रहो का मतलब है? इतना अनर्गल लिखा है वर्ड, लगे रहो के क्या मतलब है? ये फ्रॉड आदमी, लगे रहो। अरे ये मैं बोल रहा हूँ, इसका ये बहुत बड़ा नीचता वाला इसकी सोच है। अब पूरी दिल्ली को निगल जाएगा और ढकार भी नहीं मारेगा, याद रखेगा। अरे ये दिल्ली में लोग दे रहे हैं
अरे जब आपने बेटे को दाव में लगा दिया, बिटिया बिटिया को दाव में लगा दिया, बिटवा को दाव में लगा दिया, बीबी को दाव में लगा दिया, क्या बोला था कि मेरी वाइफ डीटीसी बस में जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करके घर आएगी। आज जैसे देखी कि मावा मिला, ढकार मारिए, बोले कि बीआरएस दे दो भैया, बीआरएस दे दो। आप बीआरएस लेके ढकार मार के बैठ गई हैं और सास बहू के सीरियल देख रही हैं, सास बहू के सीरियल देख रही हैं, 40 एसी लगा हुआ घर में। इतना तो एफसीआई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के गोदाम में भी इतना एसी नहीं लगा हुआ है जितना इसके घर में लगा हुआ है, इसके घर में लगा हुआ है। और नाटक में, नाटक इसको करवाया जाए ना, नाटक में नंबर बनाएगा तो नंबर वन भारत सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड लेके जाएगा। विकास ये है, 45 किलो से वजन 90 किलो हो गया इसका, देख लीजिए कितना बड़ा विकास है। 45 किलो से वजन 90 किलो हो गया। 2013 में अपने बच्चों की कस्में खाई थी कि ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट दूंगा, ना कांग्रेस से सपोर्ट लूंगा। अरे सोचिए, मैं तो लोगों से पूछ रहा हूं चैनल के माध्यम से, बिल्कुल 98 लाख का समोसा खा गया। ये काम काम करने नहीं आता था। दरवाजा खोलता दिल्ली से बंगलोर तक पी गया 82,000 की बोतल। सिसोदिया जी समोसे मंगा लो, समोसे मंगा लो, समोसे आते आते 98 लाख के हो गए। ये तो 48 किलो का था, 94 किलो का हो गया। मनीष सिसोदिया जो पत्रकार बना था, पत्रकार से नेता बना है, मुंह था किशमिश की तरह, छोले भटूरे की तरह हो गया। ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ पूरे इस दिल्ली के जमहूरियत को कि आप फ्री मत लीजिए। हाँ। ये दिल्ली को खा जाएगा। हाँ। जो अपने गुरु का नहीं हो सका, जो अपने गुरु का नहीं हो सका, बेटा का नहीं होगा, वो हम लोग दिल्ली वालों का क्या होगा, फ्री का होगा तो देश। और ये बोल रहे हैं, अब देखिए, अब लीजिए, अब इनको जवाब देता हूँ। अब आए हो तो ये सामने आइए ना। अब ये बोल रहे हैं, सुनिए, ये बोल रहे हैं, मैं जवाब पूरा अच्छा से सुनिएगा सब लोग। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने अडवाणी जी को धोखा दिया। अब बताता हूँ कैसे, एक मिनट। हाँ बहुत अच्छा, आपने क्वेश्चन अच्छा किया है, कैसे धोखा दिया। कैमरामैन दिखाओ भाई, इनको भी। अरे डरने फिर डरने वाला कहाँ, डरने वाला तो सामने थोड़ी बुलाते। हाँ सुनिए, अडवाणी जी का अभी लेटेस्ट बर्थडे था, सोचिएगा अगर अपमान करते तो प्रधानमंत्री को घर पे नहीं आते बर्थडे विश करने के लिए। उसके बाद आए थे ना, इसका मतलब कहाँ अपमान हुआ। आप सुनिए, अन्ना हजारे दिल्ली में आए थे, केजरीवाल मिलने नहीं गया, मिलने गया। आप सुनिए, अभी एक मिनट, ये बात के सुनिए, ओवैसी ममता केजरीवाल। आप सुनिए, ये गुरु का अपमान बोल रहे हैं ना, प्रशांत भूषण के पिता की तबीयत खराब थी, जिसने अपनी कमाई की 2 करोड़ रुपए दिए, 2 करोड़ रुपया पार्टी को खड़ा करने के लिए, उसको तो देखने तक नहीं गया। ये बोल रहा है, अरे जनाब प्रधानमंत्री मोदी जी के ना पैरों के धूल के बराबर केजरीवाल नहीं हो सकते। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी जिस संगठन से आते हैं उसमें संस्कार, सत्कार और देशभक्त पैदा बच्चे होते हैं, ढोंगी नहीं। और जिस मिशनरी से ये पैदा हुआ है आदमी, वो केजरीवाल है, कोलकाता के मिशनरी से पैदा हुआ है ना ये ढोंगी। अरे सारा डाटा है जनाब, धन्यवाद, गुड नाइट।